राम मंदिर मॉडल को लेकर हमारे सहयोगी शोएब रिजवी ने प्रयागराज विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मुकेश से खास बातचीत की है। चलिए बातचीत आपको सुनवाते हैं। राम मंदिर आंदोलन को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने लंबी लड़ाई लड़ी थी। अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी और जो माघ मेला क्षेत्र है वहाँ हर साल विश्व हिंदू परिषद का कैंप लगता है और उस कैंप में जो राम जी का मंदिर बनना है उसका जो मॉडल है वो रखा जाता था। चूँकि अब काफ़ी कुछ साफ हो गया है और जल्द ही मंदिर निर्माण भी शुरू हो जाएगा, ऐसे में इस बार माघ मेला में जो राम मंदिर का मॉडल है वो लोगों के लिए ज़रूर आकर्षण का केंद्र होगा। हमारे साथ मुकेश जी हैं जो प्रांतीय संगठन मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं। मुकेश जी, ये जो मॉडल है इसकी पूरी क्या कहानी और किस तरह से इसकी शुरुआत है, इस बार क्या खास रहेगा? 1989 में यह मॉडल बन कर के तैयार हुआ और 89 के बाद 2001 के कुंभ मेले में यह पहली बार मॉडल रखा गया प्रयाग की धरती पर। प्रयाग के अर्धकुंभ और कुंभ के मेले में मॉडल रखा जाता था 2001 से लेकर के। अभी पिछले वर्ष भी रखा गया था मॉडल, कुंभ था, और इस वर्ष माघ मेले में रखा गया है। और माघ मेले में रखने के पीछे हेतु यह है कि राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर निर्माण का फैसला आ गया है। यह राम मंदिर इसी मॉडल से बनेगा, ऐसा समाज देखे कि हमारा भगवान रामलला की जन्मस्थली पर जो भव्य मंदिर निर्माण होने वाला है वह मंदिर का मॉडल यही है जो करोड़ों करोड़ घरों में जो विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो मॉडल गया है वही मॉडल आज यहाँ पर ला करके हम सब लोग यहाँ पे समाज देखे, दर्शन करे उस मॉडल का, और पूरे माह भर माघ मेले में यह 12 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक यह मॉडल प्रयाग के माघ मेले में रखा रहेगा। और चूँकि इस मॉडल का आकर्षण कुछ ज़्यादा रहेगा क्योंकि अब इसको साकार होते हुए भी लोग देख सकेंगे। ऑनलाइन क्रिएश कैमरामैन काशिफुद्दीन के साथ शोएब रिज़वी, प्रयागराज, माघ मेला क्षेत्र।